नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं YouTube सहेली चैनल को। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गर्भधारण होते ही जो सबसे पहला डिस्चार्ज ब्लीडिंग आपको ऑब्जर्व होता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, वो क्या होता है, वो कैसा होता है, उसको पीरियड से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि जब हमें स्पॉटिंग ऑब्जर्व हो जाए हमारी डेट के पहले, डेट के आसपास या डेट के बाद भी, अगर हमको स्पॉटिंग ऑब्जर्व हो जाए और हम गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं, फिर हमें टेस्ट कब करना चाहिए? प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए स्पॉटिंग के बाद हमें टेस्ट करने की ज़रूरत कब होती है और किस समय हम टेस्ट करें कि हमको बहुत सही ऑथेंटिक रिजल्ट मिल सके, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बच्चेदानी की दीवार में जैसे ही भ्रूण आरोपित होता है तो वहाँ पे एक बरोइंग यानी कि खोदने से एक्शन होता है, वो धंसता है, उसमें प्लांट होता है, चिपकता है, थोड़ा सा वहाँ से डिस्चार्ज ब्लीडिंग होती है और ये डिस्चार्ज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहलाता है, जो कि सामान्य वजाइनल ब्लीडिंग होती है। इसमें पीरियड की तरह तेज दर्द या क्रैम्प महसूस नहीं होता, हल्का फुल्का पेट में क्रैम्प महसूस हो सकता है, जो कि बहुत अलग होता है पीरियड्स में होने वाले क्रैम्पिंग या पेन से। फ्रेंड्स, इस इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कलर या तो हल्का गुलाबी हो सकता है या फिर भूरा हो सकता है और ये हल्की स्पॉटिंग के फॉर्म में एक या दो दिन आपको महसूस होगी, हो सकता है कि तीन दिन तक भी महसूस हो, लेकिन ये बहुत ही हल्का होता है और ये पीरियड से बुरी तरह अलग होता है। तो ये आपकी प्रेगनेंसी का एक स्ट्रॉन्ग लक्षण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है कि आपको गर्भधारण हुआ है। लेकिन अब इसे कन्फर्म कैसे करें? जब हमको स्पॉटिंग महसूस हुई, स्पॉटिंग एक दो दिन हमको दिखाई दी, और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये होता कब है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको पीरियड से पहले भी महसूस हो सकता है, पीरियड्स के डेट के आसपास भी महसूस हो सकता है, और हो सकता है कि आपको पीरियड्स के डेट के थोड़े दिन बाद में भी महसूस हो, लेकिन आप इसको इसके लक्षणों के आधार पर समझ सकते हैं। अब बात ये आती है, महिलाओं को स्पॉटिंग हो जाती है तब उलझन ये रहती है कि हमको स्पॉटिंग हुई है, इसको हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, लेकिन इसको कन्फर्म करने के लिए, अपनी प्रेगनेंसी को कन्फर्म करने के लिए हम प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें? आज के समय में प्रेगनेंसी टेस्ट घर में करना बहुत आसान है, किट्स अवेलेबल होती हैं, और आप नहीं जानते कि प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें घर में सही तरीके से, तो प्रेगनेंसी टेस्ट का लाइव डेमो मैंने किया है और आप सभी के लिए वो वीडियो अवेलेबल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको स्पॉटिंग फील हो और आपको अंदर से स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि आप गर्भधारण कर चुकी हैं, तो उसके 7 दिन बाद आपको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है 8 से 10 दिन के अंदर HCG का लेवल शरीर में बनता है और तब वो किट में डिटेक्ट करने लायक हो जाता है, उसकी मात्रा उतनी होती है कि किट में आसानी से डिटेक्ट हो। अगर आप बहुत जल्दी में पहले टेस्ट कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको आपके शरीर का सही स्टेटस नहीं पता चले, तो आप श्योर हैं कि पीरियड डेट मिस हो गई है और आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या स्पॉटिंग फील हुई है, तो आपको 7 से 10 दिन के बीच में टेस्ट करना चाहिए, ये बिल्कुल सही समय होता है। तब तक आप तनाव मुक्त रहें, क्योंकि इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद हम इतनी एंजाइटी, इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि पता नहीं यस होगा या नो होगा, किट में पिंक लाइन आएगी या फिर नहीं आएगी, और ये स्ट्रेस बिल्डअप होता रहता है और ये हमारे इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं तो यूट्यूब सहेली चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको आपके ओवुलेशन को समझने में आपकी मदद करेंगे, आपको पीरियड्स को समझने में मदद करेंगे, बहुत सारी ऐसी घरेलू आसान ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, जो कि आपके पोषण के स्तर को सुधार कर, आपकी शारीरिक कमियों को सुधार कर आपको बहुत मदद करेंगी गर्भधारण करने में। तो आप सभी उन वीडियोस को भी जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके भी अगर कोई सवाल है जिस पर आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट में लिख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।